मुंगेर के जदयू जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध मुंगेर न्यायालय में करवाया मानहानि का मुकदमा दर्ज। मामला जदयू सांसद के द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए मटन चावल पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है। इससे पूर्व जदयू के जिला अध्यक्ष सम्राट चौधरी को इस टिप्पणी पर लीगल नोटिस भेज मांगा था। जवाब असंतुष्ट जवाब मिलने के बाद दर्ज करवाया गया मानहानि का केस, जिसका कंप्लेन संख्या 632/C है। दरअसल मुंगेर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध मुंगेर CGM के न्यायालय में जदयू जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 15 मई को एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में सांसद ललन सिंह के द्वारा मुंगेर के पोलो मैदान में कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोज के दौरान कार्यकर्ताओं को मटन चावल के साथ शराब परोसने का आरोप लगाया था। प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम आरोप लगाया था कि जदयू एक ऐसी पार्टी है जो वोट लेने के लिए लोगों को मांस भात के साथ शराब का सेवन कराते हुए वोट देने की अपील करती है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर 17 मई को जदयू की ओर से कानूनी नोटिस भिजवाया गया था, जिसमें सम्राट चौधरी के सम्मान भोज के दौरान शराब परोसने का शख्स प्रस्तुत करने अथवा विवादित बयान देने के लिए माफ़ी मांगने का आग्रह करते हुए 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा था और वाजिब जवाब नहीं देने पर केस करने की बात कही थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी के द्वारा लीगल नोटिस के 9 दिन के बाद जो जवाब दिया गया है, उसमें शराब परोसने का कोई शख्स प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही विवादित बयान देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी गई है। इससे साफ है कि सम्राट चौधरी ने जनता दलियों और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा सांसद राजीव रंजन सिंह उपललन सिंह की छवि को बदनाम करने की नीयत से इस तरह की बयानबाजी की गई। इस केस के वकील राजकिशोर ने बताया कि सम्राट चौधरी के द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने और माफ़ी नहीं मांगने के बाद पार्टी के दिशा निर्देश पर जदयू जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने सम्राट चौधरी पर CGM के न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं नचिकेता मंडल जदयू जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने की आज़ादी है, विकास कार्यों में जहां गड़बड़ी है वहां विपक्ष बोल सकते हैं, लेकिन किसी की छवि को खराब करने के उद्देश्य से विवादित बयान पार्टी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। वह भी तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सख्ती से लागू कराया है और उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता पर शराब परोसने का आरोप लगे। आप सबको मालूम ही है कि मुंगेर के पोलो मैदान में 14 मई 2023 को माननीय सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उपललन बाबू के द्वारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह सह भोज की व्यवस्था की गई थी, जिसमें जिले भर से हजारों हजार कार्यकर्ता महागठबंधन के यहाँ आए थे। इस आयोजन के लिए जो लीगल तरीका है उसको अपनाया गया था। मैंने स्वयं जो है इसके लिए परमिशन लिया था, पोलो मैदान की बुकिंग की थी और ये सब कुछ कर करके उसके लिए 3-3 मजिस्ट्रेट बहाल हुए थे और उन सब के प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जनता दल यूनाइटेड को बदनाम करने के लिए, उसको डिफेस करने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया, पार्टी ने प्रदेश के अंदर बैठक बुलाई, एक निंदा प्रस्ताव पारित किया और मुझे अधिकृत किया कि सम्राट चौधरी जी को लीगल नोटिस भेज करके मैं पूछूं कि शराब परोसे जाने का कोई प्रमाण उनके पास है कि नहीं, अगर है तो उसको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें अथवा अगर नहीं है तो अपनी भूल को मानते हुए माफी मांगें। 17 तारीख को मैंने उनको इस संबंध में अपने अधिवक्ता के द्वारा एक नोटिस भेजा। उस नोटिस को भेजे जाने के लंबे अरसे के बाद 25 तारीख को लगभग जो है 8-9 दिन के बाद उन्होंने एक जवाब भेजा, जिसके अंदर उन्होंने कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करने से साफ साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो है हमको तो ये लीगल नोटिस भेजने का कोई राइट ही नहीं है। तो मैं स्वयं इस कार्यक्रम का व्यवस्थापक था तो मुझे राय, और व्यवस्था के अंदर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ मटन चावल के साथ शराब परोसी गई है तो लीगल राइट कैसे है? तो मंशा उनकी स्पष्ट थी, उन्होंने षड्यंत्र किया इस पार्टी को डिफेम करने का, इस पार्टी को बदनाम करने का, जिसका असर गांव-गांव तक पहुंचा। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लाई है, शराबबंदी के बहुत फायदे हैं, अब खुद खुलेआम शराब पी रहे हैं, तो इस प्रकार की चर्चा से पार्टी के इमेज को डैमेज करने का उन्होंने काम किया। हमारे 2 पदाधिकारियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसको हमने कहा कि जो है आप रुकिए, इस पर अगर कोई प्रमाण देने में सक्षम होते हैं तो हम स्वीकार करेंगे आपके इस्तीफे को, अन्यथा जो है आप थोड़ा इसका इंतजार कीजिए, और वो कोई भी प्रमाण देने में सक्षम नहीं थे, उन्होंने कुछ भी प्रमाण नहीं दिया और ना ही उन्होंने अपने इस बयान के लिए कोई माफी मांगी। तब हम लोगों को और कोई रास्ता नहीं बचा,
तो हमने जो है मानहानि का केस दर्ज किया, जो कि आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में वार्ड संख्या 632 सी के रूप में आज केस दर्ज हुआ है और उन पर जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजनीति में जिसको भी बयान देना है सरकार के काम पे, वो नेता प्रतिपक्ष दे सकते हैं और वो जितना बोलना है बिहार सरकार के काम के ऊपर बोलना है वो बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पार्टी के इमेज को वो डैमेज करने के लिए या पार्टी के सर्वमान्य नेता के इमेज को डैमेज करने के लिए अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी वो करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित है। क्या विगत दिनों जो यहाँ पोलो फील्ड में जो भोज का आयोजन किया गया था तो उसमें ये कहा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कि उसमें मीट भात और शराब का शराब पिलाया गया, तो हमने 17/5/2023 को इसी आलोक में हमारे क्लाइंट श्री नचिकेता मंडल जदयू के जिला अध्यक्ष संपर्क किए और उन्हीं के आलोक में ये एक लीगल नोटिस दिया गया कि अगर ऐसा कोई साक्ष है कि शराब वहाँ पिलाया गया तो वो अपना साक्ष प्रस्तुत करें अथवा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। तो ये हमने लीगल नोटिस वहाँ भेजा तो प्रतिउत्तर में वो कोई साक्ष शराब पिलाने का कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किए और कोई ऐसा किसी तरह का कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किए। तो जिला अध्यक्ष एवं जदयू के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कहने पर ये केस कंप्लेन केस दायर किया गया कि शराब पिलाने का कोई साक्ष्य इस पर नहीं है, इससे हमारे सम्मान पर ठेस पहुंचा और इसीलिए ये केस दायर किया गया है और आज उपस्थित होकर के ये केस की सुनवाई पहली सुनवाई हुई और इस पर मैं अधिवक्ता राजकिशोर सिविल कोर्ट मुंगेर के तरफ से अपने क्लाइंट के तरफ से इसको दायर किया।